और इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन महाराष्ट्र राज्य काउंसिल की ओर से आज नीट परीक्षा को लेकर हुई धांधली को लेकर आज वैरायटी स्क्वायर पर आंदोलन किया गया। ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के राष्ट्रीय परिषद में चल रहे नीट यूजी घोटाले पर चर्चा की, जिसमें एक ही परीक्षा केंद्र के छात्रों ने सबसे अधिक अंक प्राप्त किए हैं। 720 में से 718 और 720 में से 719 स्कोर करने वाले उम्मीदवारों के स्कोर कार्ड सोशल मीडिया पर प्रसारित किए गए हैं। नीट यूजी की स्कोरिंग प्रणाली के अनुसार ये स्कोर असंभव है। इसी के मद्देनजर आज AISF सरकार से गुहार लगाई गई कि नीट परीक्षा में हुई धांधली के कारण छात्रों का नुकसान न हो, इसलिए सरकार ने जल्द से जल्द इस मामले में जांच करनी चाहिए। हम यहाँ छात्रों को लेके जो नीट परीक्षा में जो घोटाला हुआ है, जो धांधली हुई है, उसके खिलाफ में यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। हम शुरू से देख रहे हैं कि इस देश में पेपर लीक का जो मामले है वो बढ़ते ही जा रहे हैं और इसमें सरकार किसी भी प्रकार की रुचि दिखाते हुए हमें नजर नहीं आ रही है। अभी जो देश का जो भविष्य है, जिनको डॉक्टर बनना है उनका भविष्य को अंधेरे में ढकेलने का काम इस देश की भाजपा सरकार ने किया है। इस देश में शुरू से ही जब नीट चालू हुआ था, ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन ने नीट को रद्द करने की डिमांड इस देश में की थी, क्योंकि नीट जो है इस देश में केंद्रीकरण, शिक्षा का केंद्रीकरण करता है, जो इस देश की विविधता को नकारता है। इसलिए हम चाहते हैं कि इस देश में शिक्षा का विकेंद्रीकरण हो, ना कि केंद्रीकरण हो, और इस देश की जो डाइवर्सिटी है वो बनी रहे। इसलिए अभी जो हमारी मांग है, जो परीक्षा में जो घोटाला हुआ है उसको, उसकी चौकसी होनी चाहिए, उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए और जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। उसके बाद में सभी लोगों को, जो छात्र हैं उनको रिलीफ मिलना चाहिए, क्योंकि आप देख सकते हैं अभी 5 साल में जो नहीं हुआ था वो 720 में से आउट ऑफ मार्क्स 67 स्टूडेंट को मिले हैं, और जो पॉसिबल नहीं था कुछ छात्रों को 17 मार्क्स मिले हैं, जो कि NTA के रूल के हिसाब से बराबर नहीं है, क्योंकि 4+ और -1 का फार्मूला रहता है, तो उस हिसाब से 15-16 मार्क्स मिलने चाहिए, तो उससे ज़्यादा मार्क्स मिले हैं। ये सभी जो चीज़ें हैं वो दर्शाते हैं कि परीक्षा में घोटाला हुआ है। हम इस घोटाले की उच्च स्तरीय चौकसी चाहते हैं और स्टूडेंट को रिलीफ की डिमांड करते हैं, और यूनियन गवर्नमेंट ने यहाँ इंटरफेयर करके छात्रों को न्याय दिलाने की मांग करते हैं। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहट के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।